सुबह सुबह भाई साहब कमला मंगाओ कहा बता, मगर मैं साहब तो मुंह खोले बैठे पड़े थे। ये भी भाई साहब लग रहा कमले के नशेड़ी है, हैरान मत होगे। कुर्सी थाना क्षेत्र के भाई साहब एक दरावपुर गांव पड़ता है, जहाँ पर तालाब में हड़कंप का माहौल था। कहा बताए तालाब के अंदर भाई साहब एक महीने से मगरमच्छ भटक रहा था, कोई पानी लेने नहीं जा पा रहा था। ना जाने भैया कहाँ मगरमच्छ आ जाए। ये बकायदा मगरमच्छ साहब इंदिरा नहर से तैरते हुए बहते हुए सीधे भाई साहब बाराबंकी जनपद कुर्सी थाना क्षेत्र के दरावपुर गाँव में चले आए थे। गाँव के भाई साहब एक तालाब में एक महीने से हड़कंप का माहौल बना रखे थे और बकायदा एक महीने से भाई साहब कड़ी मशक्कत की जा रही थी। वन विभाग की टीम जुटी थी, पीआरबी के जवान जुटे हुए थे और आखिरकार भाई साहब जैसे तालाब के किनारे महोदयाएं कहा बताएं, मगरमच्छ साहब को रस्सी से बांध दिया गया, खींचा तानी भी और आखिरकार मगरमच्छ साहब गिरफ्तार कर लिए गए, माफ कीजिएगा पकड़ लिए गए। और पकड़ने के बाद आपको बता दें कि गाँव भर में विभिन्न प्रकार की चर्चा थी। कोई बोल रहा था कि देखो देखो इसके ऊपर स्टाइल जड़ा हुआ है, कोई बोल रहा था देखो देखो कटीले दांत है, कोई बोल रहा था देखो पुच्छी बड़ी है, कोई बोल रहा था कमला मंगाओ। पर फिलहाल बाराबंकी जब सुमित भाई साहब कुर्सी थाना क्षेत्र के लिए आदर सरावत के साथ बाकायदा विकास रिपोर्ट पर कुछ भी कही भाई साहब। इस दौरान बाकायदा वन विभाग की बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अब इसको कार्रवाई बोले या धंधा पूछने वाला बोले या प्यारवी जवानों की तारीफ करे पूछो ना भैया, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। गाँव वाले बाकायदा एक महीने से दहशत में जी रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, सांस ऊपर नीचे फूल रहा था। राजेश जावेद और पूछो ना भैया गुड्डू तमाम लोग उपस्थित देख रहे थे।